स्वर्गीय प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया है। करनाल के मेरठ रोड स्थित ताऊ देवीलाल की प्रतिमा पर पहुंचकर जननायक जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन एवं श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर एक हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्वर्गीय देवीलाल को श्रद्धांजलि देने के लिए जननायक जनता पार्टी एवं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। यहां हम आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी श्रद्धा एवं सम्मान करते हुए हवन यज्ञ किया गया। इस मौके पर जननायक जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोरैया ने कहा कि चौधरी देवीलाल सभी के लिए आदर्श हैं। उन्होंने किसानों की लड़ाई मरते दम तक लड़ी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल के दिखाए रास्ते पर ही पार्टी चल रही है और किसानों के हित में कार्य कर रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का दिन संघर्ष की मूर्ति ताऊ देवीलाल जी उनके 107वां जन्म दिवस है, उसे जननायक जनता पार्टी आज करनाल उनकी मूर्ति के समक्ष सर्वधर्म प्रार्थना के रूप में मनाने जा रही है। इससे पहले हमने अभी त्रिवेणी लगा करके शुभारम्भ किया है। हमारे पंडित जी और बाकी जो सारे धर्मों के जो हमारे अनुयायी हैं वो यहाँ पर आकर के अपनी अपनी प्रार्थना करेंगे। इसके बाद हमारा ब्लड डोनेशन का आज का प्रोग्राम है, रक्तदान शिविर सेवा समिति आश्रम अर्जुन गेट करनाल में लगाने जा रहे हैं। और 107 यूनिट, क्योंकि 107वां उनका जन्मदिन है और 107 यूनिट हम खूनदान देकर के समाज सेवा करने जा रहे हैं। ताऊ देवीलाल किसानों के मसीहा थे, लेकिन आज किसान सड़क पर हैं, तो आप किस तरीके से उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे? हम ताऊ देवीलाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनकी जो उन्होंने संघर्ष का मार्ग दिखाया हुआ है उस पर भी चलेंगे और किसानों के साथ हमारी पूर्णतः हमदर्दी है। जो आज किसान सड़क पे हैं वो हमारे ही भाई हैं, हम उनके साथ हैं। और जो रही बात हमारे नेता जो दुष्यंत चौटाला जी सरकार में हैं, वो सरकार में रह करके वकालत कर रहे हैं और उन्होंने निश्चित उन्होंने सीधे तौर पर घोषणा की है कि अगर जो जिस बात को लेकर के किसान चिंतित हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, अगर उस पर कोई आँच आएगी तो सबसे पहले हम सरकार से बाहर होंगे और सड़कों के ऊपर किसानों के साथ संघर्ष करेंगे। किसान रोटी देता है, पेट भरता है, लेकिन आज वो सड़कों पर लाठियां खा रहा है, क्या कहेंगे? लाठी चार्ज जो भी करता है वो गलत करता है। लाठी चार्ज करने वाले भी किसानों के बेटे हैं, लेकिन वो गलत है। पीछे पिपली में जो लाठी चार्ज हुआ उसके लिए हमारी पार्टी ने जननायक जनता पार्टी ने मांग की है कि न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के आदेश नहीं थे। उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्वों ने वहां पर लाठीचार्ज किया, उसका हमें अफसोस भी है, उसकी हम जांच भी करते हैं। सरकार ने मांग की लेकिन अनिल विज तो कैसे लाठीचार्ज हुआ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.